हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बुक्स वर्ल्ड विद प्रियंका में। हम दिन में कितनी बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, पर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि हमारे खाने में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी हैं। बुक योर फूड इन यू के ऑथर कीटी अचाया इस बुक में यही बता रहे हैं। ऑथर बताते हैं कि हमारी इंडियन डाइट वैसे तो पोषण से भरपूर मानी जाती है। पूरे भारत में गेहूं, चावल और अलग अलग टाइप की दालें सभी भारतीय खाते हैं। अगर इन सब के साथ दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और कच्ची सब्जियां यानी सलाद जोड़ दी जाए तो हमारी इंडियन डाइट एक एक्सेलेंट बैलेंस डाइट बन जाती है। तो आइए पहले जान लेते हैं बैलेंस डाइट होती क्या है। ऑथर बताते हैं कि बैलेंस डाइट का मतलब है वह खाना जिससे हमें सही मात्रा में सभी न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल सकें, वही बैलेंस डाइट है। यानी आपको हमेशा याद रखना है कि डेली आपको अपने खाने में इन पांचों फूड कैटेगरी से कुछ ना कुछ फूड आइटम ज़रूर खाना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने खाने को अच्छे से पचाने के लिए हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए ताकि हम खाने से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर सकें। ऑथर बताते हैं कि एक इंसान की डेली वाटर रिक्वायरमेंट उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट के बराबर होती है। यानी अगर किसी इंसान की डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट 2500 कैलोरीज है तो उसको दिन भर में 2500 मिलीलीटर पानी यानी 2.5 लीटर पानी चाहिए। इसकी हाफ से कम क्वांटिटी हमें अपने खाने से मिल जाती है, बाकी क्वांटिटी हमें डायरेक्टली पानी, दूध, लस्सी, चाय, कॉफ़ी से मिल जाती है। पर याद रखिए, हैवी वर्कआउट या गेम्स हमारी वाटर रिक्वायरमेंट को बढ़ा देते हैं। आइए अब जानते हैं इस बुक के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनसे हम अपने खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और खाने के न्यूट्रिएंट्स भी कंजर्व कर सकते हैं। 1. दालों को स्प्राउट करके सुखा के खाया जाए तो उनमें बड़ी मात्रा में विटामिन सी बन जाता है। मूंग और चना दाल को इस तरह खाया जाए तो वे बहुत न्यूट्रिशियस हो जाती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, चौलाई, ड्रमस्टिक लीव्स, सरसों का साग, मेथी, ये सब विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम और आयरन के शानदार स्रोत हैं। तो हमें डेली एक हरी सब्जी खानी चाहिए। और हाँ, ये सस्ते भी होते हैं और बल्कि घर पर भी आसानी से उगाए जा सकते हैं। कच्ची खाई जा सकने वाली सब्जियां जैसे कि प्याज, टमाटर, गाजर, मूली, खीरा हमारे पूरे दिन की विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में बहुत मददगार होते हैं, इसलिए हमें डेली सलाद खाना चाहिए। 4. फलों से हमें विटामिन्स, मिनरल्स और डाइट्री फाइबर मिलता है, हालांकि ये थोड़े महंगे होते हैं। येलो फ्रूट्स जैसे पपीता और आम विटामिन ए से भरपूर होते हैं। खट्टे फल जैसे संतरे, मौसमी से हमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्केट के महंगे फल जैसे अंगूर और सेब की न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ खास नहीं होती, जबकि सस्ते फल जैसे चीकू, संतरा, मौसमी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर फल हैं। कस्टर्ड एप्पल एक बहुत अच्छा फल है जिसमें विटामिन बी और सी दोनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। 5. कभी कभी चावल और गेहूं के बदले रागी, बाजरा, ज्वार जरूर खाएं। 6. कुछ सब्जियों में हरे पत्ते होते हैं जैसे गाजर में, मूली में, चकुंदर में, ये सब्जियों से ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, इन्हें कभी नहीं फेंकना चाहिए। 7. हमेशा सिर्फ सीजनल फल और सीजनल सब्जियां ही खानी चाहिए। 8. दालों को मिक्स करके खाने से उनकी प्रोटीन क्वालिटी बढ़ जाती है और इनके साथ दही खाने से ये प्रोटीन क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मतलब याद रखिए कि खाने के साथ डेली दही ज़रूर खाएं। 9. सब्जियों को कम पानी में पकाएं, अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो उसे फेंकें नहीं, उसे सूप बनाने में इस्तेमाल करें। 10. सब्जियों को फ्राई करने में सब्जियों को उबालने से ज़्यादा विटामिन्स लूज हो जाते हैं। 11. सब्जियों को पानी में डुबोकर ना रखें, इससे उनके न्यूट्रिएंट्स लूज होते हैं, उनको सिर्फ चलते पानी में धोएं। 12.
सब्जियों के न्यूट्रिएंट्स को कंजर्व करने के लिए सब्जी को बड़े टुकड़ों में काटें। 13. सब्जियों का छिलका जितना पतला निकाल सके उतना पतला निकालें। 14. फर्मेंटेड फूड जैसे इडली, डोसा, ढोकला ज़रूर खाएं। पार्ट वन में इतना ही। इस बुक की समरी के पार्ट टू में हम जानेंगे प्रेग्नेंट वुमेन और नर्सिंग मदर्स की स्पेशल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो जानने के लिए ज़रूर देखें इसका पार्ट टू।